हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम क्रिप्टो प्रोजेक्शन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीटूबी ट्रेडिंग में क्या टिप्स और ट्रिक्स अपनाई जाए जिससे हम नुकसान से बच सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, लिहाजा मेरी किसी बात को भी फाइनेंशियल एडवाइस ना लिया जाए। दोस्तों, आप आते हैं अपने टॉपिक पे। अरे भाई, पीटूबी ट्रेडिंग में बहुत 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 बड़े स्कैमर बैठे हैं। दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा, और खास तौर पे कि ये एशियन कंट्रीज के अंदर, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्कैमर ज्यादा हैं और वही लोग स्कैम करते हैं। दोस्तों, अब सवाल पैदा ये होता है कि ये पीटूबी ट्रेडिंग पे स्कैम कैसे होता है। दोस्तों, आपने अपनी यूएसडी किसी को सेल करनी है दोस्तों, तो दोस्तों आपने क्या ख्याल करना है, आपने जो एहतियाती तदबीर अपनानी है, तो आपने क्या करना है, आपने एक नोट लिख के लगा देना है टर्म्स एंड कंडीशन में जो आप सेलर हैं, ठीक है। अगर आप सेलर के ही हैं, मैं सेलर की पहले बात बता रहा हूँ, आप सेलर हैं, आपने एक टर्म्स एंड कंडीशन लिख के लगा देनी है कि भाई मुझे थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं चाहिए। पेमेंट देने के बाद आपने मुझे अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, उसकी फोटो फ्रंट साइड और बैक साइड की आपने मुझे देनी है, ठीक है। और नंबर थ्री, आपने उसका एक एक्टिव कॉन्टेक्ट नंबर लेना है, ठीक है। और नंबर फोर, अगर आपको उसके अंदर ज्यादा शक व शुबात लग रहा हो और आप देख रहे हो कि भाई इसका अकाउंट बिल्कुल नया बना है, ठीक है, आपने क्या करना है, उस जिसका अकाउंट नया बना है तो उससे आप एक दफा वीडियो कॉल पर भी बात कर लें, ठीक है। एक चीज और, आप जब ऐड डाल ले हो तो आप ऐसा ऐड डालें कि केवाईसी टू जिनकी वेरीफाई हो, ठीक है, और जिनका 90 डेज, एक ऑप्शन आता है कि जिनका 90 डेज पुराना अकाउंट हो और जिनके पास थोड़ा सा बीटीसी की अमाउंट ज्यादा हो, तो वो बेहतर होंगे, वो थोड़े से रिलायबल होंगे। दोस्तों, वो मतलब के एक बाइनेंस पर अगर काफी टाइम से काम कर रहे होंगे तो उनका इरादा स्कैम करने का नहीं होगा। हाँ, वो लोग जिनकी केवाईसी वन होती है और बिल्कुल नए यूजर होते हैं, वो आप लोगों के साथ स्कैम कर सकते हैं दोस्तों, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप किसी भी सूरत में थर्ड पार्टी पेमेंट ना लें। अगर कोई आपको थर्ड पार्टी पेमेंट कर देता है, उसके से पहले तो डॉक्यूमेंट सारे मंगवा लें बाइनेंस पे आप, उसके बाद आप क्या करें कि उसकी पेमेंट को होल्ड करें और 10% डिडक्ट करने के बाद आप उसकी पेमेंट आफ्टर 21 डेज अपने बैंक से वेरीफाई करके फिर उसको वापस दें, ठीक है ना। दोस्तों, एक तो ये ट्रिक हो गई आप जब किसी को अपनी यूएसडीटी सेल कर रहे हैं। दोस्तों, अब दोस्तों ये इतनी ट्रिक क्यों अपनानी है, ये इतनी पंचायतें क्यों पालनी, ये पालनी है दोस्तों। ये जो लोग आपसे खरीदेंगे, कल को यही आपसे बोल सकते हैं कि मेरा तो बैंक अकाउंट हैक हो गया था और ये तो मैंने खरीदी नहीं है, और मुझे ये बैंक का चार्जबैक केस आप पे फाइल कर देंगे, जिससे आपको आपकी जितनी यूएसडीटी नहीं होगी इतने पैसे आपके चक्कर लगाने में लग जाएगा। दोस्तों, इससे बेहतर है कि आप अपनी सेफ साइट पहले रखें। अगर आप एनआईसी ले लेंगे तो स्कैमर पहली बात है कि आपको अपना एनआईसी देगा नहीं, दूसरी बात है कि वो आपका अगर एनआईसी दे देगा तो वो कभी बैंक का चार्जबैक केस लगाएगा नहीं। दोस्तों, तो आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, जब आप अपनी यूएसडी किसी को सेल कर रहे हो, ठीक है ना, किसी को सेल कर रहे हो, आपको अर्जेंट पेमेंट चाहिए। देखें, ये एक टेक्निकल बात है, आपको ये अगर ये चीज पता होगी तो आपको इस चीज से भी फायदा होगा। दोस्तों, आपने ये देखना है कि कौन सा जो बायर है उसका पेमेंट टाइम लिमिट कम है। जिसकी पेमेंट टाइम लिमिट कम है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट मिनिमम, जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में, आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है या फिर आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी है आउट ऑफ कंट्री और आपको अर्जेंट कैश की जरूरत है, या आपके घर पे कोई वेंडर खड़ा हुआ है जिसको आपने पेमेंट देनी है, तो आपने क्या करना है, 15 मिनट वाले टाइमर देखना है। आपने उस बायर को देखना है जिसने अपना टाइमर 15 मिनट पे शो किया हुआ हो, ठीक है, जिसने अपना 15 मिनट पे टाइमर शो किया हुआ, आपने उसको सेल करनी है, ताकि विद इन 15 मिनट या तो वो पे कर दे या विद इन 15 मिनट आपकी यूएसडीटी कैंसिल होकर आपके पास वापस आ जाए, ठीक है। एक ये टेक्निक है दोस्तों। और हाँ, अब ये टेक्निक अगर हम नहीं अपनाते तो हमको क्या नुकसान होता है, फर्ज करें कि आपने एक जिसका 360 मिनट का टाइमर है, आपने उसको ऑर्डर दे दिया, अब वो बेचारे ने अपना ऐड तो खोल के रखा लेकिन वो सो रहा हो, ठीक है, या उसका मोबाइल उसके पास ही ना हो, और उसने भी इस आश्रय पे लगाया कि भाई ये 360 मिनट का टाइमर है, उसके बाद तो मैं इसको पे ही कर ही दूंगा, एक दो घंटे चार घंटे में इसको मैं पे कर दूंगा, ठीक है ना, उसके जहन में ये होगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको जल्दी है पीटूबी पे जल्दी सेल करनी है तो आपने अपने लिए जल्दी वाला बायर ढूंढना है। दोस्तों, फिर अगर आप बाइनेंस को भी कंप्लेन करते हैं कि भाई इसका इतना टाइम लगा 6 घंटे का और ये रिस्पांस नहीं दे रहा है, ये हो रहा है, ये मसला हो रहा है, वो मसला हो रहा है, तो बाइनेंस भी उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसने अपनी
टाइम लिमिट जो है वो 360 मिनट लगाई भी है, ठीक है ना, क्योंकि उसको भी पता है कि जो मेरी पेमेंट है वो 360 मिनट में होगी। तो आपने अपने लिए सबसे पहले एक वो बायर तलाश करना है जिसकी टाइम लिमिट कम हो, अगर वो पे कर देगा तो आपका फायदा, नहीं पे करेगा तो आपकी विद इन 15 मिनट आपकी यूएसडीटी आपको वापस आ जाएगी और आप अपनी यूएसडीटी किसी और को सेल कर सकते होंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, यूएसडीटी सेल करने में रिस्क ज्यादा है और यूएसडीटी खरीदने में इतना रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप यूएसडीटी खरीद रहे हो, अब हमने बात करी थी सेल करने की, हम बात कर रहे हैं बाय करने। दोस्तों कुछ लोग ऐसे न्यू कमर्स होते हैं जो आपको ऑर्डर तो दे देते हैं लेकिन ना वो अपना आईबीएन देते हैं ना बैंक अकाउंट डालते हैं, बस वो ऑर्डर दे के चले जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप उनको मैसेज करते रहो मैसेज करते रहो, उनका कोई रिप्लाई नहीं आता दोस्तों। या फिर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आईबीएन दिया हुआ भी होता है, अपना बैंक अकाउंट की डिटेल पूरी दी हुई भी होती है, लेकिन आपने जब पेमेंट कर दी तो उसका रिप्लाई नहीं आता। जब तक कोई ऑनलाइन ना हो, जब तक आप उसको पेमेंट ना भेजें, अगर वो ऑनलाइन आ जाए फिर आप उसको पेमेंट भेजें और बोलो भाई मैं विद इन 5-10 मिनट पेमेंट भेज रहा हूँ, आप ऑनलाइन रहो ताकि मैं आप मुझे जल्दी रिलीज कर दो। आप ऐसे बंदे को जो ऑनलाइन है ही नहीं, जो आपकी बात मैसेजों का रिप्लाई दे ही नहीं रहा है बाइनेंस पे, और आप उसको यूएसडीटी के लिए पेमेंट भेज देते हो, फिर क्या होगा कि वो आपकी यूएसडीटी वो रिलीज नहीं करेगा। 90% केसों में ये होता है कि आपकी यूएसडीटी बाइनेंस का सीएस रिलीज करे। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो बहुत अहम क्वेश्चन था मेरे एक दोस्त का, वो बोलता है भाई मैंने जो है वो यूएसडीटी की पेमेंट ले ली है लेकिन मैं यूएसडीटी रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे भाई कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा ओटीपी नहीं आता है, ठीक है, हमारा ओटीपी नहीं आता है, तो बाइनेंस के अंदर अपील के अंदर एक सेक्शन के अंदर एक ऑप्शन है कि उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये ओटीपी आपका नहीं आए तो आप रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपने रीजन में ये चूज करना पड़ता है कि भाई मेरा ओटीपी नहीं आ रहा, आप बायर को रिलीज करते हैं, मुझे पेमेंट रिसीव हो चुकी है। आप वो ही जैसा अपील के अंदर वो आप रीजन चूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपील करने के बाद वो यूएसडीटी बायर को मिल जाती है दोस्तों। तो एक और बात है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई मुझे यूएसडीटी सेल कर दो, मुझे यूएसडीटी मुझसे खरीद लो लेकिन बाइनेंस से बाहर। मैं आपको अपना TRC20 एड्रेस देता हूँ, बाइनेंस पे आईडी देता हूँ, लेकिन मुझसे बाइनेंस के बार बार डील करो, मेरा बाइनेंस का अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, लेकिन मुझे यूएसडीटी चाहिए, आप काइंडली मुझे बाहर सेंड कर दो, TRC20 एड्रेस पे सेंड कर दो या बाइनेंस पे सेंड कर दो। लिहाजा आपने उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, आपने ये कहना है कि भाई मैं तो सिर्फ बाइनेंस पे ही P2P से बाय और सेल करूंगा और इसके अलावा नहीं करूंगा, चाहे वो आपको रेट का लालच दें चाहे आपको कोई भी लालच दें, ठीक है। आपने TRC20 और बाइनेंस पे वाला कोई भी कस्टमर, कोई भी बंदा आपको डील करे बाहर, कोई भी बंदे का मैसेज आपके व्हाट्सएप पर है तो आपने उसका रिप्लाई नहीं देना है। अगर रिप्लाई दें तो उसका रिप्लाई सिर्फ नो के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए दोस्तों। जब आप किसी से बाय कर रहे हो या अपनी यूएसडीटी सेल कर रहे हो तो आप कोशिश ये करें कि आपका जो कस्टमर हो, ठीक है ना, आप उसको टाइम दें, ठीक है, आपके पास टाइम है तो आप उसको टाइम दें, ठीक है। उसको टाइम देंगे उससे आपका ये फायदा है कि आप दोनों का रिलेशन ठीक रहेगा और आपका क्या होगा कि आप हर बार एक ही बंदे को यूएसडीटी बाय और सेल के लिए मुंतखब कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप एक से लड़ाई करेंगे उसके बाद दूसरे के पास जाएंगे, उसके बाद तीसरे के पास जाएंगे, इस चीज के लिए आपके अकाउंट के लिए भी ठीक नहीं, एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर इसी दौरान जब हम P2P डील करते हैं, कुछ हमसे जो सेलर होता है बायर होता है बहुत बदतमीजी कर देता है, ठीक है, हमारा दिल चाहता है उसको ब्लॉक कर देते हैं लेकिन वो नेगेटिव कमेंट दे देता है, ठीक है ना, तो उसमें तो आपकी प्रोफाइल खराब हो रही है। आपने क्या करना है, अगर आप हक पे हैं तो आपका मेरी एक वीडियो है जिसमें हम बाइनेंस का P2P का नेगेटिव कमेंट चेंज कर सकते हैं, बाइनेंस का P2P नेगेटिव कमेंट कैसे चेंज होगा आप जाके वो देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के अंदर बाइनेंस के P2P रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम थी वो आपको पता चल गई होंगी। उम्मीद करता हूं आप मेरी एहतियाती तदाबीर फॉलो करेंगे और अपनी ट्रेड्स में जरूर आजमाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहला फायदा आपका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक अपना, अपनी ट्रेडिंग का और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।